Hello student, I am here Raghavendra Kumar Sao from Bharti College of Engineering and Technology, Durg. In this class, discuss about my parity, beat, generator and shaker. Okay? After doing 74180. Okay? This way, क्या करेंगे हम discuss करेंगे इसके बारे में जो है आपका जो है आपका जो है ए, ठीक है, ए थ्रो किसे करते हैं, ए थ्रो एच, ए थ्रो एच क्या देते हैं हम जो है पैरिटी इनपुट, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका जी एंड जो है एच, ओके, तो ये क्या करते हैं ए थ्रो एच क्या करते हैं यहां से जो है क्या करते हैं पैरिटी क्या करते हैं बिट, ठीक है, पैरिटी जो है क्या रहता है इनपुट रहता है, पैरिटी इनपुट, ओके, यहां से जो है आपका जो है कास्केडिंग इनपुट है आपका जो है कास्केडिंग इवन के फॉर्म में है, एक तो जो है आपका जो है ऑड के फॉर्म में, ओके, यहां पे जो है क्या लिखते हैं इवन और ये आपका जो है ऑड, और किसके भी फॉर्म में मिलता है आपका, तो आपका जो इनपुट किसमें आता है समेशन, ठीक है, समेशन इवेंट और ये आपका जो समेशन ऑड, ओके, समेशन इवेंट एंड समेशन ऑड, फिर आपका क्या है आउटपुट क्या करता है क्या है आउटपुट क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ओके, तो आपका जो क्या है कास्केडिंग ये इनपुट है आपका जो है, ओके, तो इसका जो है क्या है पैरिटी जो है आपका जो है, ठीक है, पैरिटी जनरेटर, अब ये क्या करता है
जो है जनरेटर ऑब्लिक क्या बोलते हैं इसको, चेकर। ओके, इसके लिए हम जो है आपका जो है टेबल क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे आपका जो है एक थ्रो जो है एच। ओके, ए थ्रो एच आपका जो है ट्रांसमिटिंग इवन एंड ऑड, आपका आउटपुट क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है, समेशन इवन के फॉर्म में एंड जो है समेशन ऑड के फॉर्म में। तो हम एक टेबल डिजाइन करेंगे आपके लिए, पैरिटी इनपुट आपका जो है ए थ्रो एच। ओके, इसके बाद क्या लेंगे आपका जो है कास्केडिंग इनपुट, क्या है आपका जो है कास्केडिंग इनपुट किसके फॉर्म में है आपका जो है, एक इवन है एक जो है ऑड, इवन और ये क्या है ऑड। और क्या बच गया आपका जो है आउटपुट, आउटपुट क्या है आपका आउटपुट क्या है आपका जो है समेशन इवन और आपका जो है ऑड। ओके, ये हो गया आपका जो है टेबल डिजाइन कर लिए। अब यहां से क्या करेंगे हम जो है एच ओ एच, ठीक है, एक इवन रहेगा आपका जो है इवन के लिए चेक करेंगे, फिर से ऑड के लिए चेक करेंगे। ओके, फिर से क्या करेंगे जो है इवन और ये ऑड। ओके, तो बाकी क्या रहता है आपका जो है डोंट केयर। तो हम जो है सपोज जो है क्या देते हैं यहां से इनपुट अप्लाई करते हैं, कास्केडिंग इनपुट अप्लाई क्या करते हैं जो है 10 के फॉर्म में करते हैं, फिर ले लेते हैं आपके जो है इवन के लिए 01 के फॉर्म में कर देते हैं, फिर क्या लेते हैं हम जो है आपका जो है 11 ले लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं आपका जो है 00 ले लेते हैं। ओके, फिर हम ले लिए जो है आपका जो है इवन के फॉर्म में एंड जो है ऑड के फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे आउटपुट, आउटपुट क्या डिनोट करेगा जो है आपका जो है समेशन क्या है यहां पे इवन, ठीक है, समेशन क्या है आपके जो है यहां पे समेशन है क्या है आपका इवेंट। ओके, समेशन इवेंट एंड जो है समेशन ऑड, यहां से का इनपुट अप्लाई करेंगे आपका इनपुट में, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, ये हो जाएगा 1010। ओके, 10 फिर से अप्लाई किए किसके लिए, एक ही है जो है इवन के लिए, एक ही है जो है ऑड के लिए, हमने जो है आपका बाइनरी डाटा जो है क्या दे रहे हैं ट्रांसमिटेड टू जो है प्रोसेसिंग क्या होता है आपका जो है, फिर से मैं रिकॉल करता हूं आपको जो है 10 एंड जो है 01 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जो है 1 हो जाएगा। इसी तरह से फिर से जो हमने इवन के लिए जो है 01 ले लिए, तो आपका जो है क्या 0 1 हो जाएगा,
यहां से क्या हो जाएगा ऑड के लिए फिर से क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा ठीक है। अब यहां से जो है 1 1 दिए जो है क्या दिए हैं जो है यहां से क्या है आपका डोंट केयर कंडीशन ठीक। डोंट केयर क्या है कंडीशन जिसके लिए क्या हो जाएगा आपका जो है 1 1 देंगे अगर आपको जो है 0 0 ओके क्या हो जाएगा 1 1 पे क्या हो जाएगा आपका जो है 0 0 0 0 0 0 क्या हो जाएगा 1 तो आपके जो है डोंट केयर कंडीशन में क्या होता है आपका जो है डिमोटेट हो जाता है। ये आप ईमेल के लिए चेक करेंगे तो एक बार जो है ऑड के लिए चेक करेंगे तो आपका जो है टेबल के जो है डिजाइन ओके तो इस प्रकार से हम टेबल क्या करते हैं डिजाइन करते हैं ठीक है। तो एक बार जो है इसे एक बार टेबल बनाते हैं आपके जो ऑड के फॉर्म में एक जो है इमेज के फॉर्म में ठीक है। पैरिटी इनपुट क्या रहेगा वही रहेगा आपका इनपुट जो है ए थ्रो एच ठीक है। ऑड इवन इसके लिए हम जो चेक करेंगे आपका जो है फिर से जो है 10 10 10 10 0 0 0 ये हटा देंगे हम ठीक है। तो एक इस कंडीशन में आएगा आपका समेशन ऑड रहेगा कि जो है आपका जो है इवन फॉर्म में रहेगा ओके ऑड रहेगा कि इवन फॉर्म में रहेगा ये जो है चेक करेंगे ठीक है। ये समेशन किस कंडीशन में रहेगा दोनों जो है 1001 समेशन इवन के लिए है डिफरेंट किस कंडीशन में आ जाएगा आपका जो ऑड कंडीशन में है ये भी जो किस कंडीशन में आ जाएगा आपका ऑड कंडीशन ओके ये किस कंडीशन में है आपका जो है इवन कंडीशन ओके ये क्या हो जाएगा आपका जो है 0 है क्या हो जाएगा आपका जो है इवेंट की पोजीशन ये क्या हो जाएगा इवेंट क्या आउट हो जाएगा आपका जो है ठीक है क्या लिखते हैं हम क्या नोट करेंगे आपका जो आउट। तो इस तरह से हम जो है चेक करते हैं आपका जो है ठीक है पैरिटी की जो रेट है ओके। तो सपोज की बात जो है हमारा इनपुट है लेकिन सबसे पहले से रिकॉल के हमें जो है एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव आर फंक्शन ठीक है आज आर अ वेरी यूजफुल ठीक है सिस्टम ठीक है रिक्वायर एरर डिटेक्शन एंड जो है एरर करेक्शन उसके लिए देख लेते हैं हमें। तो इस तरह से आपका जो है पैरिटी भी क्या करते हैं हम चेक करते हैं एक इवन के लिए एक जो है ऑड के लिए ठीक है। तो हम जो है सपोज की बात हमारे पास डाटा क्या है डी नॉट है डी वन है डी टू ठीक है एंड डी थ्री सपोज की बात हमारा क्या डाटा है क्या है डी वन है डी टू एंड जो है डी थ्री तो इसमें कौन सा गेट लगाएंगे आप जो है एक्स और बी इस तरह से क्या करेंगे हम जो है कनेक्शन करेंगे आपका जो है ठीक है
कहां से कनेक्शन कर रहे हैं, यहां से कनेक्शन कर रहे हैं, एंड डी थ्री कहां से कनेक्शन कर रहे हैं, यहां पर इधर से कनेक्शन। ओके, तो ये क्या है आपका जो है एक ओरिजिनल क्या है हमारे पास, बोल सकते हैं हम जो है ओरिजिनल डाटा बस। ठीक है, ओरिजिनल क्या बोल सकते हैं जो है डाटा बस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है डी नॉट लेंगे। ठीक है, रिक्वायर होता है आपको जो है एक्स और एट जो है, तो इस फॉर्म में हमने जो है क्या होता है, अब इस फॉर्म में क्या रहेगा आपका जो है, यहां से क्या मिले आपको जो है रिसीव डाटा। ओके ओके, टू रिसीव डाटा आपको क्या है आउटपुट में, टू रिसीव ओके डाटा ये हमको मिला है। ठीक है, इस तरह से हम जो है XOR गेट के लिए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके लिए जो है फिर से क्या करोगे जो है। ठीक है, एक इसके लिए हो गया आपका जो है पैरिटी, तो एक इसको डिनोट करता है आपका जो है पैरिटी को क्या करता है, पैरिटी जो है ठीक है उसको क्या करता है, एक डिनोट करता है। ओके, ये सभी फंक्शन क्या है आपका जो है पैरिटी क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, फिर से अगर इसके लिए हो गया ये जो है इवेंट पैरिटी, फिर से ऑड पैरिटी अगर बनाएंगे तो यहां से क्या करेंगे, हम कनेक्शन करेंगे जो आपका जो है कौन सा गेट कनेक्शन हो जाएगा यहां से, नॉट गेट। ओके, तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका, फिर से जो है एक जो है ऑड के लिए तरह से हम क्या करते हैं चेक करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे आपका जो है इवन एंड जो है ऑड पैरिटी। इस तरह से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे आपका जो है टू रिसीव आपका डाटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है पैरिटी बीट क्या करते हैं, चेकर करते हैं, जनरेटर जो है आपका जो है आईसी जो है 7 4